हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने एथिक्स पेपर फोर, जीएस पेपर फोर जो यूपीपीएससी मेंस में न्यू सिलेबस ऐड हुआ है, उस एथिक्स पेपर फोर का एक पार्ट लेकर आई हूँ, जिसके बारे में हम पूरी जानकारी समझेंगे। ये होती क्या है, जैसे कि आज हम एथिक्स का जो भी टॉपिक करेंगे उसके बारे में एक एक चीज़ समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन ये पीडीएफ आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिलेगी या तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। फेसबुक पेज का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो नए सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के, जिन्होंने हमारे चैनल पर फेथ दिखाया। अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने जो कमेंट करके हमें टॉपिक सजेस्ट किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। कुछ लोगों ने हमें स्पेशली कमेंट करके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने को कहा है, क्योंकि वो उन्हें कहीं भी बुक्स में प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। तो हम वो वीडियो भी जल्द से जल्द आपको लाने की कोशिश करेंगे। आज मैं एथिक्स की वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। जल्द ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कहीं भी बुक्स में सीधे नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ रहा है, वो टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी हमारे चैनल पे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी जैसे ही वीडियो पड़ती है लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप पर आ जाए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अभिवृत्ति, जो कि एथिक्स जीएस पेपर फोर का एक पर्टिकुलर टॉपिक है। और सिविल सर्विसेज के लिए, जो कि यूपीपीएससी हो या एमपीपीएससी या यूपीएससी, तीनों के लिए बहुत मेन टॉपिक है एथिक्स में अभिवृत्ति। सबसे पहले मैं इसके सिलेबस के बारे में आपको एक बार डिटेल में बता दूं कि अभिवृत्ति के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। अभिवृत्ति के मेन टॉपिक में हमें पढ़ना है अंतर्वस्तु, मतलब इसका कंटेंट क्या क्या है। मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। संरचना, कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव व संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना। तो आज हम सिर्फ अभी पर्टिकुलर इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम नीचे के टॉपिक पे बाद में आएंगे। तो पहले हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। तो हमारा आज का मेन टॉपिक अभिवृत्ति, जिसे मनोवृत्ति भी कहते हैं और इंग्लिश में से एटीट्यूड भी कहते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, फिर मैं कैसे पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा, उसके बाद अभिवृत्ति या मनोवृत्ति की विशेषताएँ, उसकी संरचना, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसकी हानियां क्या क्या हैं। नेक्स्ट, संबंध क्या है इसमें, और जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उसके साथ इसके संबंध क्या हैं, इसमें कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, इसके सामाजिक प्रभाव क्या होते हैं, इसका नैतिक और राजनैतिक दृष्टिकोण क्या है, और अनुनयन जो आपके टॉपिक में सहमति पैदा करना, उसी को अनुनयन कहते हैं। तो यहाँ पे वो टॉपिक सहमति पैदा करना लिखा है, और यहाँ मैंने अनुनयन लिखा है, तो ये दोनों सेम टॉपिक। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि सिविल सेवकों से जो हमारे, जो हम लोग डीएम या एसपी डीएसपी बनने वाले हैं, इनसे अपेक्षा की जाती है कि वो मनोवृत्ति, पूर्वाग्रह और रूढ़ियुक्त से मुक्त रहते हुए अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करें। इसीलिए अभिवृत्ति या मनोवृत्ति पढ़ाई जाती है हमारे एथिक्स के पेपर में। तो हम शुरू करते हैं, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या होती है इसके बारे में समझ। आपको एक पिक्चर दिखाई दी साड़ी में, आपको एक पिक्चर दिखाई दी वेस्टर्न ड्रेस में। अब ये जो लाइन्स, ये रेड कलर की लाइन्स है, इसको इग्नोर करिएगा, ये एक्स्ट्रा है इसमें। अब आपके मन में सबसे पहले ये पिक्चर देख के क्या ख्याल आया? जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, सबके अंदर डिफरेंट विचार आए होंगे। किसी को वेस्टर्न ड्रेस के प्रति नकारात्मक भाव होगा,
किसी को इसके प्रति सकारात्मक भाव होगा। इसी तरह साड़ी, किसी को साड़ी के प्रति नकारात्मक भाव होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, और किसी को इसके प्रति नेगेटिव थिंकिंग होगी। और किसी का ये भी हो सकता है कि ओकेजन वाइज वो ये ड्रेसेस कैरी करना चाहे, मतलब कि अगर कोई इंडियन फेस्टिवल हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो वो साड़ी कैरी कर सकते हैं, और अगर बाहर कहीं आउटडोर घूमने जा रहे हैं तो वेस्टर्न ड्रेस ओकेजनली कैरी कर सकते हैं। मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है इसके साथ। तो यही एटीट्यूड होता है कि हमारा किसी भी चीज़ के प्रति क्या नज़रिया है, क्या भाव है, क्या विचार है, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि सबका एटीट्यूड किसी एक पर्टिकुलर थिंग या चीज़ के प्रति अलग अलग भी हो सकता है। कोई व्यक्ति जो थोड़ा पुरानी सोच का है, वो वेस्टर्न ड्रेस को नेगेटिव एटीट्यूड से देखेगा, उसे पसंद नहीं होगी ये ड्रेस। और ऐसे ही कोई अगर आधुनिक, इस समय आधुनिक पीढ़ी का व्यक्ति है, मॉडर्न एज का है, तो उसे साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता होगा, उसे पसंद नहीं होगा। लेकिन इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सा नज़रिया गलत है, कौन सा नज़रिया सही है। इसमें बस ये देखा जाता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग के प्रति, किसी भी पर्टिकुलर वस्तु, व्यक्ति या स्थान के प्रति हमारा नज़रिया क्या है। सिंपल लैंग्वेज में उसे ही एटीट्यूड कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और दोनों हो सकता है। बट ये सही और गलत हो, ये डिसाइड हम नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड करेगा वो सही है या गलत है। तो इसे ही कहते हैं अभिवृत्ति। चलिए नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। तो हम, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि अभिवृत्ति क्या है। ये नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम आपसी बोलचाल की भाषा में अभिवृत्ति कहते हैं। अब जब हम एथिक्स में पढ़ेंगे तो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में अभिवृत्ति कैसे डिफाइन करेंगे, मैं वो आपको बता दूंगी। आज हम ओनली ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। आगे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभिवृत्ति की परिभाषा, साइकोलॉजी के टर्म के रूप में हम अभिवृत्ति की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, किसी मनोवैज्ञानिक विषय, क्या क्या होते हैं मनोवैज्ञानिक विषय, वस्तु, व्यक्ति, समूह, विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव आ सके। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम सोच सके, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, पृथ्वी पे हो, वर्ल्ड में हो, कहीं भी हो, जिसके बारे में हम विचार कर सकें, उसे मनोवैज्ञानिक विषय कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति ही अभिवृत्ति कहलाती है। समझ में आ गया होगा आपको, किसी भी चीज़ के प्रति जो आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उस वही हमारी अभिवृत्ति कहलाती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता, कुछ लोगों को पश्चिमी सभ्यता बहुत पसंद है, किसी लोगों को अपनी ही सभ्यता, यहाँ की सभ्यता पसंद होती है। तो इसी के ऊपर हमारी क्या सकारात्मक भाव है, क्या नकारात्मक भाव है, इसी को हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कहते हैं। इसके पक्ष के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसे हम सिर्फ भावात्मक पक्ष के ऊपर ध्यान दिया जाता था। इसमें सबसे पहले सिर्फ भावात्मक पक्ष के पीछे कि हमारे पॉजिटिव भाव आ रहे हैं या नेगेटिव भाव आ रहे हैं, केवल इस पर ही ध्यान दिया जाता था। लेकिन उसके बाद हम सेकंड टर्म में आए कि हम संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में भी ध्यान देने लगे। मींस अगर हमें उसके बारे में कुछ पहले से जानकारी होगी, संज्ञान माने कि कुछ पहले से उसके बारे में नॉलेज होना, तो हम उसके बारे में नेगेटिव भाव या पॉजिटिव भाव तभी तो व्यक्त करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम अगर श्वेत और अश्वेतो दोनों में डिफरेंस करते हैं, तो श्वेत लोग अश्वेतों से घृणा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, इसके लिए पहले से उनके अंदर कुछ नॉलेज तो होगी, उनके पूर्वजों ने या उनके जो भी रिश्तेदारों ने, उनके पेरेंट्स से उन्हें ये बताया होगा कि अश्वेत लोग बुरे होते हैं, उनके बारे में उनको कुछ जानकारी होगी, तभी उनके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि वो बुरे होते हैं। मतलब कि पहले उनको किसी चीज़ की नॉलेज होना, उसके बाद उस नॉलेज के अकॉर्डिंग उनका भाव उत्पन्न होना। तो उसके लिए नॉलेज के बाद ही हम भाव उत्पन्न कर सकते हैं।
इसके बाद ही हमारा थर्ड टर्म व्यवहारात्मक पक्ष आता है। व्यवहारात्मक पक्ष का मतलब कि हम उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया श्वेत और अश्वेतों का। अगर श्वेत व्यक्ति अश्वेतों के प्रति कोई संज्ञानात्मक भाव, उसके बारे में नॉलेज है, तो उसके भाव क्या होगा? अगर अच्छी नॉलेज है तो पॉजिटिव भाव होगा, और अगर बुरी नॉलेज है तो नेगेटिव भाव होगा। अब भाव के बाद वो व्यवहार क्या करता है? अगर उसे पॉजिटिव नॉलेज है तो उसके साथ बैठेगा, उठेगा, खाना खाएगा, सब कुछ। भाव अगर पॉजिटिव है तो व्यवहार भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर उसके साथ उसके नेगेटिव भाव है, अगर उसे लगता है कि वो अश्वेत बुरे होते हैं, तो उनके साथ उठेगा बैठेगा नहीं, दूर से ही बैठेगा, उसके साथ हाथ नहीं मिलाएगा, और कभी कभी तो गलत वर्ड भी उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इसमें मैच करती हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। बट अभी लेटेस्ट जो परिभाषा आई है उसमें कहा गया है किसी भी अभिवृत्ति को व्यक्त करने के लिए संज्ञान का होना जरूरी है, भाव का भी होना जरूरी है, बट इन दोनों के अकॉर्डिंग, इन दोनों के साथ व्यवहार का होना जरूरी नहीं है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। इसी श्वेत और अश्वेत को लेके ब्लैक वाइट जो पीपल होते हैं वो ब्लैक पीपल को पसंद नहीं करते हैं। मेन यही कॉमन थिंक यही होती है। लेकिन अगर वो अपने देश में हैं तो वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो उसके अंदर ये भाव है कि नेगेटिव भाव है, तो अपने देश में तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। वो उनके साथ उन गलत शब्द यूज़ कर सकते हैं, पास नहीं बैठेंगे, उनसे दूर से ही हाथ मिलाएंगे, ये सब काम करेंगे। बट अगर वो किसी उनके देश में जाते हैं, जो ब्लैक पीपल के देश में वो लोग जाते हैं, और उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा मैंने अभी बताया कि उनसे गलत वर्डिंग यूज़ करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, इस टाइप का व्यवहार करेंगे, तो उन्हें पिटाई नहीं पड़ जाएगी उनके देश में? तो ज़रूरी नहीं है कि संज्ञान और भाव अगर पॉजिटिव हो तो व्यवहार भी पॉजिटिव होगा। कुछ लोग दिखावा भी करते हैं। अब जैसे ही किसी के घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो अंदर से बुरा लग रहा है कि अब हमें खाना बनाना पड़ेगा, अब हमें चाय बनानी पड़ेगी, लेकिन उनके सामने दिखावा तो करेंगे ना कि आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो यही इसमें कहा गया है लेटेस्ट परिभाषा में, संज्ञान और भाव दोनों अगर हो, इसमें मेन होता है, तो व्यवहार ज़रूरी नहीं है कि भाव के अकॉर्डिंग ही किया जाए। अगर भाव पॉजिटिव है तो व्यवहार नेगेटिव भी हो सकता है, और भाव नेगेटिव तो व्यवहार पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें मेन सिर्फ संज्ञान और भाव को दिया जाता है, व्यवहार को अब कम तवज्जो दिया जाता है। बट अगर हम लिखेंगे एग्जाम में तो तीन पक्ष ही इसके लिखेंगे, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक पक्ष। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, मैं एक उदाहरण के साथ और समझाती हूँ इन तीनों पक्षों को। आपके सामने एक पिक्चर आई स्नेक की, ठीक है? तो अब आप संज्ञानात्मक पक्ष, आपके सामने पास पहले से नॉलेज है स्नेक जहरीला होता है, स्नेक छूते ही काटता है, अगर स्नेक पे गलती से पैर पड़ जाए तो वो हमें डस लेता है। कुछ लोगों के अंदर पहले से ये चीज़ होगी भावना कि ये भगवान शिव की गले में रहता है, ये हमारे लिए बहुत पूजनीय है, इसकी पूजा करनी चाहिए, या जिसके घर में ये दिख गया तो उसके घर में बहुत ही शुभ माना जाता है स्नेक का निकलना। अब ये दो अलग अलग संज्ञान है, किसी के अंदर कुछ होगा, किसी के अंदर कुछ होगा। संज्ञान की बात करी हूँ, नॉलेज की बात करी हूँ, तो ये चीज़ें। अब नेक्स्ट पे आते हैं भाव पे। भाव, अब जिसके अंदर ये चीज़ होगी कि स्नेक काटता है, तो उसके अंदर क्या नेगेटिव फीलिंग होगी स्नेक के प्रति? जिसके अंदर ये होगी कि स्नेक एक पूजनीय है, भगवान शिव के गले में रहता है, तो बहुत हमारे लिए डिवोटी है, तो हम फिर इसके लिए पॉजिटिव भाव होगा। अब भाव हमारे पास दोनों आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव। अब थर्ड पे आते हैं व्यवहार पे। अगर जिसके अंदर पॉजिटिव भाव होगा, जिसके अंदर इसके प्रति पॉजिटिव भाव होगा, वो पूजा की थाली लेकर आएगा, इसकी आरती करेगा, इसे दूध पिलाएगा, ये इसका पॉजिटिव भाव होगा। जिसके अंदर इसके प्रति नेगेटिव भाव होगा वो तो पहले भाग जाएगा, दूसरा कोई लाठी लेके आएगा, सपेरे को बुलाएगा, पकड़ने के लिए लाएगा। तो ये होता है हमारी मनोवृत्ति, किसी चीज़ को मनोवृत्ति हमारे संज्ञान पे डिपेंड करती है, फिर उसके प्रति हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, और भाव के बाद ही हम उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बारे में मनोवृत्ति की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसकी विशेषताएँ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले ग्रहणशील,
ग्रहणशील का मतलब होता है कि मनोवृत्ति को हम सीखते हैं, ये जन्मजात हमारे साथ नहीं होती हैं, लेकिन 1% ये जन्मजात भी हो सकती हैं। जैसे कि हम कोई म्यूजिक है, किसी बच्चे को म्यूजिक बचपन से ही पसंद होता है, ये कोई अगर उसने कहीं नहीं भी सीखा तो भी उसे म्यूजिक के प्रति विशेष रुझान होता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जन्मजात हो सकता है कुछ परसेंट, बट 99% ये ग्रहणशील होता है। हम मनोवृत्ति को सीखते हैं ज़्यादातर, हम जिस बारे में संज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी मनोवृत्ति बन जाती है। इसमें तीन तत्व होते हैं, तीन तत्व कौन कौन से जो मैंने अभी आपको बताए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, जो अभी हमने किए इसमें लिखा नहीं जा रहा है ठीक से, आपको पिछली स्लाइड में देख के आप देख सकते हैं, भावात्मक, और थर्ड हमारा होता है व्यवहारात्मक। तो व्यवहारात्मक इसमें तीन तत्व होते हैं, ये तीनों तत्व आप लर्न कर लीजिएगा। मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित, मैंने इसकी जो इसका परिभाषा बताई उसमें बताया था कि मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होती है, जैसे किसी वस्तु के बारे में होता है, किसी व्यक्ति के बारे में होगा, किसी स्थान के बारे में होगा, किसी भाव के बारे में होगा, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं उसे ही मनोवैज्ञानिक विषय कहते हैं, तो मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जिसके बारे हमारे अंदर विचार ना आए, ऐसी कोई भी वस्तु मनोवृत्ति के अंदर में नहीं आती है। अपेक्षाकृत स्थाई होते हैं, इसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, हम चेंज करने की भी आदत देखेंगे कि इसको परिवर्तित कैसे किया जा सकता है मनोवृत्ति। जैसे कि पर्दा प्रथा हो गई, तो जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो लोग आज भी, आज के इस नए जमाने में भी लोगों को घूंघट में देखना पसंद करते हैं, उनकी प्रवृत्ति या मनोवृत्ति ही ऐसी बन गई है कि अगर उन्हें कोई वेस्टर्न ड्रेस में कोई बिना घूंघट के दिख जाए तो उन्हें पसंद नहीं आती वो चीज़, चाहे वो कितने भी संज्ञान ले ले, क्योंकि उनके अंदर वो बैठ चुकी है चीज़ें। तो अधिकतर मनोवृत्ति स्थायी होती है, बट कुछ केसेस में इसे चेंज किया जा सकता है। मनोवृत्ति के अंदर नेक्स्ट विशेषता है प्रेरित करने की क्षमता, इसके अंदर एक प्रेरित करने की क्षमता होती है। जैसे कि डॉक्टर अबुल कलाम, तो डॉक्टर अबुल कलाम का नाम सुनते ही हमें पॉजिटिव भाव आते हैं, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट थे तो लोग सोचते हैं कि हम उनके जैसा बने। तो अभिवृत्ति अगर किसी के प्रति पॉजिटिव होगी तो लोग उनके जैसा बनना चाहेंगे, बनना चाहेंगे मतलब कि अभिप्रेरित होंगे इससे। नेक्स्ट पॉइंट है तीव्रता, भिन्न भिन्न मनोवृत्ति की जो तीव्रता होती है वो भिन्न भिन्न होती है, मीन्स कि कुछ लोगों के लिए कुछ पर्टिकुलर थिंग के प्रति तीव्रता कम होती है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी मैंने वेस्टर्न ड्रेस का एग्जांपल दिया, कुछ लोगों को वेस्टर्न ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं होती, कुछ लोगों को वेस्टर्न ड्रेस बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और कुछ लोग होते हैं जो हर एक ओकेजन वाइज उसे पसंद पहनना पसंद करते हैं, तो इसकी तीव्रता जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। दो पक्ष, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसके दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। कौन कौन से? सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, ये दोनों पक्ष लर्न कर लीजिएगा। तो ये जब भी आप, ये मैंने सिर्फ पॉइंट्स में आपको ये सारे आंसर बताए हैं, ये विशेषता है इसकी। अब जब भी आप इसका आंसर राइटिंग करेंगे, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ सकता है कि मनोवृत्ति क्या होती है और इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, तो आप मनोवृत्ति की परिभाषा बताएंगे, एग्जाम्पल ज़रूर देंगे। एथिक्स में आप अपने एग्जाम्पल देखिए, ढूंढिए और दीजिए, जितने अलग और यूनिक एग्जाम्पल देंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कॉमन एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं, आप अपना दिमाग लगाइए। मैंने अच्छे से समझा दिया है कि अभिवृत्ति क्या होती है, मनोवृत्ति क्या होती है। उसके बाद इसकी विशेषताओं में मैंने आपको 7 पॉइंट्स दी हैं, इस 7 पॉइंट्स का मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि 7 पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है। अब आप इसको डिटेल में खुद अपना कॉपी पेन लीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर हम 3-4 लाइन्स और क्या ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने मनोवृत्ति की परिभाषा पढ़ी और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी संरचना के बारे में और इसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको टाइम से मिल सके।
आज का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जिसको जो चीज़ नहीं समझ में आई है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसे दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।